किसानों को लेकर देश और प्रदेश में राजनीति होती रही है। चुनावी मन से नेता हैं जो लगातार किसानों को सहारते रहते हैं, मुद्दे उठाते रहते हैं और चीख चीख कर किसानों की बात की जाती है, लेकिन धरातल पर किसानों की हालात क्या हैं उसे हम आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त भावती गांव में हैं और यहां किसान हैं जो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। अब किसानों से ही जानते हैं कि आखिर ये हैरान क्यों हैं और परेशान क्यों हैं, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? परेशान क्यों हो आप लोग? क्यों हो रही है परेशानी? आगे दुकान वाला दिन कौन सा दिन चित्त फिर बदल हो तो और लगाओ से 550 का कट्टो पड़े से कट्टो ना जाज हो जाएगा काली भी आगा परसी भी आगा आगे। दूसरी बात है मुरा जी मिले गुड़े बात करी काली कटाना साहब गुड़े बात करी इतना वो शंकर को जी गुड़े बात करी तो जी कोई निकाय कोई परिचय का ही उठाए मुद्दे से ये बात मुद्दा नहीं उठाया नहीं उठाया। तो चुनाव में कई बातें करते हैं, चुनाव में तो खूब नहीं ग्रहण काट बकरे आप बकरे का पका लखना जो डी इंक्वायरी तो कई बात कर बकरे आराम देख कोई ठीक को बात से जा रही थी। अच्छा अभी बुआई हुई है खेतों में खेतों तो किस तरीके से परेशानी है? वैसे ही बरसात नहीं आ रही है, बरसात ऐसे ही कम कह रही है जिस कोई खाद पूछ लिया दुकानदार से जहाँ पड़का तो हुआ बिल्कुल ही और दवा और 550 कट्टो लगा रही है। दुकानदार समस्या क्या है? समस्या तो दुकानदार साहब बाबू लूट समस्या तो कहीं बताओ था ना भाई आदमी चीजें लूट करनी आज दो पाँच दिनों खाद को मार्केट से तो दुनिया भर का पैसा लूट लेंगे देखो कैसे थोड़े रोल डाल रहा जाओ से तो हर तरह की परेशानी या भुगत रही है। अच्छा जो दवाई जो दे रहे हैं कट्टे के साथ दे रहे हैं या अलग से दे रहे हैं? कट्टा के साथ दे रही है सब कट्टो लगाओ कट्टो दवाई नहीं लेनी हो तो नहीं देंगे कट्टो देखो दवाई नहीं लोगे तो कट्टा भी नहीं देंगे नहीं देंगे कट्टा नहीं देंगे ये बात हो रही सब ये ऐसी समस्याएं और बात करते हैं सर क्या क्या समस्या है? हाँ जी मेरा नाम बंसीधर मीना है। यूरिया की किल्लत है साहब, जब यूरिया लेने जाते हैं मैं मार्केट बाजार कुंडल में तो यूरिया नहीं मिलता है सब वहाँ काला बाजारी करते हैं वो लोग हैं जो मतलब कट्टा देते हैं तो कट्टे के साथ है कोई चारा जलाने की दवा देते हैं साथ में 250-300 रुपये की, अगर वो दवा नहीं लेते हैं तो ये घर जाओ नहीं है खाद। शिकायत अधिकारियों को भी की है और आज के राजनेता हैं जो वर्तमान में विधायकों को भी की है मंत्री साहब को भी की है। क्या जवाब आया है? वो बोले कि समस्या हल करेंगे लेकिन आज तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं है ना कोई समस्या का समाधान किया उन्होंने। कैसे तैसे ब्याज उन्ना रुपए ले जाते हैं वैसे बरसात कम होती है बरसात होती है तो खाद नहीं मिलता है अब बताओ हम क्या करें। ये बहुत बड़ी बात कही है कि हम क्या करें वो भी बात करते हैं। मेरा नाम रतन लाल मीणा। तो खाद लेने के लिए हम कुंडल गए थे हमको 350 कट्टा लगा रहे थे 250 रुपये की दवाई लगा रहे थे। फिर मैंने बोला भाई इतना क्यों लगा रहे कल लेना हो तो ले लेंगे असल हम दो चार दुकानों पर ट्राई करिए तो वहाँ हमको किसी ने नहीं दिया। फिर बाद में मैंने मुरालाल जी के पास कॉल किया शंकर लाल जी अपने जो कृषि अधिकारी है उसके पास कॉल किया ये कलेक्टर साहब के पास मैंने खुद ने कॉल किया था फिर उन्होंने बोला कि हम करते हैं कुछ आपका इंतज़ाम तो वापस में शंकर लाल जी का फोन है बोला कि दुकान पर जाओ भाई मैं अकेला क्या करूँगा लेके मेरे को तो मान लो दे देगी लेकिन और किसान क्या मरेंगे क्या? क्या ऑफर दिया था आपको? ऑफर बोला जा कट्टा ले ले मैं दिला दूँगा जाओ दुकान पर। फिर मैंने मना कर दिया भाई और भी तो किसान लोग हैं। फोन आया था कि अधिकारी फोन आया था जांच करने नहीं अधिकारी कोई समस्या है मेरे पास कॉल आया था कोई अधिकारी नहीं आया मेरे पास नहीं आया अभी तक कोई समस्या का हमारा समाधान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है इन किसान ने कि रिश्वत के तौर पर अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आपको कुछ दे के टोक दिया जाएगा और वही बात करते हैं कैसी समस्या पूरे क्षेत्र में है या चुनिंदा गाँवों में है कितना है? इस जगह तो सभी जगह समस्या है इस टाइम तो खाद की यानी कि मनमर्जी करते हैं मतलब स्टॉक वाले और मतलब देते भी नहीं है देते हैं तो मतलब यानी कि वो चारा जलाने वाली दवा है उसको साथ में ले जाओ तो खाद मिलेगा वरना नहीं मिलेगा अब उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है तब भी उसको लेना पड़ता है मजदूर बस। अधिकारियों से बात की या जैसे बता रहे थे कि शिकायत की है लेकिन कोई अधिकारी हाँ कल अधिकारियों से भी कुछ अवगत कराया था एक दो जगह फ़ोन करके बात बाकी अभी तो उसकी कोई हमको कोई सूचना है नहीं बाकी। बारिश का कैसा रहा है अब तक? अभी बारिश भी नहीं है सर वैसे तो बारिश से ही परेशान है उसके बावजूद डबल परेशानी ये और झेलनी पड़ रही है बीज खाद की मतलब चुनाव के वक्त तो काफ़ी बातें होती हैं किसान मतलब सर चुनाव की टाइम तो करते हैं वाह वाह लूटते हैं लेकिन बाद में हकीकत करने के लिए कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है। ये हकीकत है धरातल की भले ही राजनेता चुनावी मन से बड़े बड़े भाषण देते हों लेकिन धरातल की हालत बहुत ही ख़राब है। और भी किसान यहाँ बैठे हैं उनसे बात करते हैं आपको किस तरह की समस्या है? नहीं है समस्या है सर
क्या क्या समस्याएं हैं? ये समस्या है जो ये खाद वाले कुंडल वाले जो बहुत महंगे भाव में देते हैं, और राजनेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मतलब लेना देना कुछ है नहीं, भी बाद में कुछ मिल पता ही नहीं। अच्छा मुझे एक चीज़ आप लोगों से ये भी समझनी है कि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उन्होंने घोषणा पत्र दिया कि ऋण माफ़ कर देंगे, ऋण क्यों नहीं चुका पाते आप लोग? ऋण कैसे चुकाएं सर? ये मार तो ये मर रही है खाद बीज की, ये जब ऋण क्या चुकाए, किसान उसका पेट ही नहीं भर पा रहा है, किसान तो भूखा मरने जाएगा, फांसी लगाएगा और क्या करेगा आखिर? ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, आप भी हो, आपको भी है कुछ समस्या? समस्या है साहब, मेरा नाम शीतल मीणा है और खाद बीज हमेशा ही इसी बार हमेशा ही महंगा मिलता है इस टाइम पे आके होता जी, हमेशा ही महंगा मिलता है। दूसरी बात, वो साथ में कट्टे के साथ में दवा लाए और उसको खेत में दे तो हमारे घर के पशुओं क्या कहाँ से लाए, फिर चारा तो जल जाएगा, बस हमारे घर के पशु क्या खाएंगे, इसलिए हमें खाद ही चाहिए, दवा भी चाहिए। और भी बात किसान उनसे बात करते हैं, आप सब एक जैसी समस्या है या अलग कोई समस्या है? सर समस्या सभी किसानों की एक जैसी है और सभी किसान भाई क्या है, इस टाइम में जो खाद की ज़रूरत पड़ती है तो खाद लेने हम दुकानों पर जाते हैं तो खाद की कीमत 350 रुपये कट्टा प्लस 250 रुपये उसके साथ में दवा देते हैं, और दवा नहीं लेते हैं तो वो कहते हैं दुकानदार आप जाओ आगे एक रास्ता ना पो, और जो खाद के लिए भी वो क्या है एक जगह नहीं गोदाम अनेक जगह रखते हैं तो उसमें से क्या है उनके चाने वाले को ऊंचे दाम जो देता है ना उनको तो दूसरे गोदाम से निकलवा के दे देते हैं और हम जाके चक्कर काट के आ जाते हैं, हमारी कोई समस्या नहीं हुआ सुनते हैं, उसके बावजूद हम किसी से कर्जा लेके जाते हैं और कर्जा लेके हम कट्टा के कर्जा लेके जाते हैं तो वहाँ दवाई साथ में बिगर कट्टा नहीं देते हैं तो इतने दाम नहीं ले देते हैं तो हमको बिगर कट्टे आ जाते हैं। समस्या ये आती है कि हम हमारे जब चुनाव आता है हर पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो लंबे लंबे वादे करती है और वादे पर ये कहते किसानों भाई की दुगनी आमदनी करेंगे ये करेंगे इनकी, तो अंत में परिणाम ये होता है हमारे पास में जो इस टाइम काला बाजार इतनी चल जाती है किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है, जिसमें किसान भाई जब दुकान पर खाद बीज के ले जाते दुगने पैसे ऐंठ लेते हैं, ऐंठने के बाद में जो वहाँ पैदावार की इनकम होती है तो उसमें पेट नहीं भरा के आता है तो हमारे ऊपर कर्जा के ऊपर कर्जा लगता जा रहा है तो हम बहुत परेशान हैं। तो इस समस्या के लिए हमने आगे भी अधिकारियों से बात की थी लेकिन हमको कोई संतुष्टि अभी दुकानदार हमको दे नहीं रहे, हमारे खेत की पैदावार भी कम होती जा रही है तो हमारे कर्जा होता जा रहा है इस कारण से। तो अब क्या करेंगे, खाद नहीं मिल रहा है नुकसान? तो सर अब खाद नहीं मिलेगा और इतने दाम हमारे पास इतनी पूंजी भी नहीं है जो क्या नाम से 500-600 रुपये का कट्टा ला के हम दे दें, हमारे तो जो पैदावार कम होगी तो उसमें संतुष्ट होके हमारे जो कर्ज उसे पेट पालन करेंगे क्या करें, कोई नहीं सुनेगा। तो और भी किसान हैं उनसे बात करते हैं, कितना बड़ा एरिया होगा जहाँ ये सारी समस्या चल रही है, या यहीं है कि और जगह? चारों तरफ ही है सर, अपने यहाँ ज़्यादा है, यहाँ बहुत तगड़ा भयंकर हुआ है, बरसात कम बरसती है और बाद बरसात हल्की सी बरसात ही जिसमें खाद बीज लेने गए तो 350 का वो कट्टा लगे प्लस दवाई लगाता है, अभी इतने पैसे कहाँ से ले, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके टाइम पास करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे वो करते हैं, पानी नहीं है और जब भी नेता नांगलान का शिकायत करते हैं तो मैंने बीड़ी अब बना बना करके भी डाल दिया, उनके पास में कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, लेकिन एक और वोटों की बार आ जाते हैं, हम ऐसे करा देंगे, वो करवा देंगे, आपके ट्यूबवेल कटवा देंगे, फलाना काम करवा देंगे, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो अब जैसे अधिकारी से शिकायत की भाई कह रहे थे कि उनके पास फोन आया, और कितने लोगों के हमेशा ऐसा ही होता है क्या? हमेशा ऐसा ही होता है सर, पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं अधिकारी, न कोई नेता नांगला करता है, कोई खटाना करता है, नहीं मुरारी करता है, कोई भी नहीं करता है। हमारे माध्यम से अशोक गहलोत जी को क्या कहना था? अशोक गहलोत जी से यही निवेदन है सर, हमारी बात का समाधान होना चाहिए, हम बादशे मर रहे हैं, टाइम पास करते हैं, कैसे जो मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे पेट पालन करते हैं, जिसमें भी गैंट कटती है कैसे पाले बच्चों को। जी बिल्कुल, आपने ये व्यथा सुनी किसानों की कि किस तरीके से हालत बहाल, भले ही जो राजनेता है चुनावी मंच से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के किसानों के हितों की बात करते हों, लेकिन उन नेताओं को धरातल पे आकर इन किसानों से मिलना चाहिए और उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए। संदीप मीणा, दोसा, राजस्थान तक।